हाँ तो बेटा 11th सम है 10th क्लास का, उसमें दिया हुआ सम ऑफ एरिया ऑफ टू स्क्वेयर्स इज 468। ऐसे दो स्क्वेयर हैं, एक ये स्क्वेयर है एक ये स्क्वेयर है, इनका जो एरिया है उसका जो सम है वो कितना है 468। और दिया हुआ है उनके पेरीमीटर का जो डिफरेंस है वो 24 है। तो इसका एक का पेरीमीटर हम 4x ले लेंगे और एक का पेरीमीटर हम लेंगे 4x+24। तो पेरीमीटर को 4 से डिवाइड करके साइड आएगी, 4x को 4 से डिवाइड करके साइड आ गई x छोटे स्केयर की, और 4x+24 इसको 4 से डिवाइड किया तो आ गया x+6। तो ये दोनों का स्केयर हो गया। पहले का स्केयर मतलब, स्केयर का मतलब है साइड इनटू साइड, एरिया ऑफ स्मॉलर स्केयर प्लस एरिया ऑफ लार्जर स्केयर इज इक्वल टू 468। और एक्स स्केयर ये वाला हो गया, और इसका ए प्लस बी का स्केयर, ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab इज इक्वल टू 468। और एक्स स्केयर बन गए 2x² और ये 12x आ गए, और ये 468 से 36 माइनस हो गए तो रह गए 432 इज इक्वल टू 0। इसको 2 से डिवाइड कर लिया तो x² + 6x - 216, तो इसका फैक्टर बन गया x² - 18x - 12x - 216 इज इक्वल टू 0। एक्स कॉमन आ गया x+18 - 12 कॉमन आ गया x+18 इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया x+18 × x - 12 इज इक्वल टू 0। तो x - 12 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू आ गई 12, ठीक है। और दूसरे की आ गई x2 इज इक्वल टू आ गया 6 + करके आ गया 18। ये दोनों स्केल्स की साइड आ गई। तो आज हमने ये दो सम करने हैं 10th क्लास के, ठीक है। ओके, थैंक यू।